लोकसभा चुनाव की रणभेरी, हो गया चुनाव की तारीखों का ऐलान, लग गई आचार संहिता। शनिवार की शाम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। यानी भारत में अगली सरकार किसकी होगी, इसका ऐलान 4 जून तक हो जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किस तारीख को किस चरण में मतदान होगा, किस चरण पर कब चुनाव है। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीट पर चुनाव होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल 89 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरा चरण 7 मई 94 सीटों पर चुनाव होगा। चौथा चरण 13 मई 96 सीटों पर चुनाव होगा। पांचवा चरण 20 मई 49 सीटों पर चुनाव होगा। छठा चरण 25 मई 57 सीट्स पर चुनाव होगा। सातवां चरण 1 जून और 57 यानी 57 सीट्स पर चुनाव होगा। बता दें कि 22 राज्यों में एक चरण में ही चुनाव होंगे, तो 3 राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। चलिए अब आपको बता दें कितने मतदाता इस बार अपने मतदान का यूज करने वाले हैं। कुल वोटर्स 96.8 करोड़, पुरुष मतदाता 49.7 करोड़, महिला मतदाता 47.1 करोड़, युवा मतदाता 21.5 करोड़, फर्स्ट टाइम वोटर्स 1.82 करोड़। यानी अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश के करीब 97 करोड़ मतदाता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हिस्सा लेंगे और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला करेंगे।